मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित आरक्षण संबंधी बयान को लेकर निशाना साधा है और इस मसले पर दोनों से जवाब मांगा। देशभर में चल रहे चुनावी माहौल के बीच भाजपा और कांग्रेस में आरक्षण को लेकर बयानबाजियां चल रही हैं। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरक्षण को लेकर लगातार आरोप लगते रहे। इस बीच एक बार फिर विपक्ष आरक्षण के मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आखिर मोहन भागवत और अमित शाह को ये क्यों बोलना पड़ा कि हमें आरक्षण से कोई खतरा नहीं है। अगर आरक्षण को खतरा नहीं मानते तो जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां हैं उन्हें प्राइवेट क्यों करते हैं। जीतू ने कहा कि दोषी कौन है, अमित शाह जी जवाब दें। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अमेठी दौरे पर तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव अमेठी जाकर वहां की जनता को धोखा और झूठे वादे बताएंगे। देशवासियों, कल अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी का बयान आया कि हमें आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये बयान देना क्यों पड़ा? अगर आरक्षण को खतरा नहीं होता तो प्राइवेटाइजेशन जितने भी सार्वजनिक उपक्रम का हो रहा है उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। दोषी कौन है, अमित शाह जी जवाब दोगे इसका? आपके अनंत हेगड़े ने कहा, आपकी दिया मिर्जा ने कहा, आपकी लल्लू सिंह जी ने कहा, अभी जो 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 और भी कई नेता आपके हैं लाइन में जिन्होंने अलग अलग, अरुण गोविल जी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए इसलिए कि हमें आरक्षण समाप्त करना है या हमें संविधान में बदलाव करना है। तो मैं मानता हूं जो आरक्षण समाप्त करने की बात हमारे प्रमोद कृष्णन जो भी मोदी जी के साथ चले गए उनने भी कही है, तो ऐसे लोग आपके साथ क्यों? तो मैं फिर से देशवासियों समझो इनके बयान को, ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत है। जो इनके दूसरी पंक्ति के लोग समय समय पर कहते हैं, इनका इतिहास भी ऐसा ही है आरक्षण विरोधी, हमेशा अगर पन्ने पीछे ले जाओगे तो आरक्षण के खिलाफ ये सब मिलेंगे जो आज आरक्षण की वकालत करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।